अब हम लोग वर्नियर प्रिंसिपल जान चुके हैं, तो अब हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर क्या है? देखो, ये डायग्राम मैं तुम्हारे समझने के लिए बना रहा हूँ, ये एग्जाम में बिल्कुल बनाने के लिए नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये डायग्राम का जो मेन सिचुएशन है, मेन पार्ट है, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ से एक जॉ आएगी, सेम चीज़ों को पकड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए कि हमने फिलहाल इसमें छोटी सी बॉल फंसा रखी है, छोटी सी बॉल फंसा रखी है, इसके दो जॉज होंगे। ये फिगर बहुत आसान, कोई फिगर में कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ऐसी ही आपको परेशानी हो जाए, ठीक है? ये देखिए, बस ये इसका मेन वो बन चुका है। अब ये यहीं से जाकर ऐसे इससे हम आगे पीछे करते हैं कि इसको अपने वर्नियर स्केल को, ठीक, ये हमारा मेन स्केल है, पहले मेन स्केल बना लेते हैं, इसी पे कैलिब्रेटेड है मेन स्केल। एक लोहे की पतली सी स्ट्रिप होगी, आप लैब में इसको देखेंगे भी, जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो हम लोग आपको लैब में ले जाएंगे और इसको इस पर आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये देखिए इसका वर्नियर स्केल का फिगर बन गया है, ठीक। अब ये इसी में जोड़ दिया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ये मूवमेंट में है, यहां से ऐसे इतना पार्ट आप वो कर दीजिए, ठीक। अब ये आपका शुरू हो रहा है जीरो से, फिर ये मेन स्केल है, मान लीजिए एक दो तीन चार, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, बीच में डिवीजन्स होंगे इसके, ठीक है? ये आपका वर्नियर स्केल है, इसमें भी 10 मार्क होंगे। जिनके पास बुक होगी वो आराम से समझ लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए ये फिगर बना रहा हूँ। और ये आगे मूवमेंट में है, तो बच्चों इसका नाम जॉ वन है, इसको हम J1 कहेंगे, इसका नाम J2 है, जॉ 2 कहेंगे। इन दोनों जबड़ों के बीच की चीज़ को आप फंसाते हैं जिसको आप मेजर करना होता है। यहाँ पर एक स्क्रू होता है, ठीक है, स्क्रू से टाइट कर देते हैं, स्क्रू को ढीला करके फिर इसको आगे, ये जो आपका मूवमेंट पे रहेगा ये स्लाइडिंग है, ठीक है? ये J1, ये J2, ये इनसाइड जॉज हैं, ठीक। और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मेजर करना है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मेजर करना है, और ये आपका वर्नियर स्केल है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जैसे ही हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। अभी आप फिलहाल थ्योरी जान लीजिए, ये फिक्स रहेगा, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ठीक है? ये जॉ जो है आपका मूवेबल है और ये फिक्स जॉ है, ये फिक्स्ड है, ठीक। तो ये वर्नियर, ये आपका मेन स्केल है, इसे आप मेन स्केल कह सकते हो, ठीक। अब इसके आगे हम इसके जो मेन पार्ट है उसके हम फंक्शन लिखेंगे। ये दोनों आपके इनसाइड जॉज हैं, ये दोनों इनसाइड जॉज हैं, इनसाइड जॉज। तो ये वर्नियर का उचित्र हो गया। मैं फिर आपको बता देता हूं, ये फिगर आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन फिलहाल आपकी अधिक जानकारी के लिए मैंने ये किया। अब हम इसके मेन पार्ट और उसके फंक्शंस लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था वर्नियर कैलिपर का डायग्राम, जिसके ये मेन पार्ट्स जॉज, इनसाइड जॉज, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, स्क्रू, ये क्या है, स्क्रू है, ये टाइट और ढीला किया था। इस पर बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जैसे ही
हम लैब में जाएंगे, हम आपको ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं और न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने का तरीका सीख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसे हम वेरीफाई करेंगे, आप परेशान ना होइएगा कि इसका क्या हो, ये क्या इतना टिपिकल सा डायग्राम। पहली बात तो फिर मैं आपके सामने एक बात रख दूं कि ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, ये फंक्शंस में से कुछ पूछा जा सकता है। तो जो आउटसाइड जॉ है यानी J1 और J2, इससे हम क्या नाप सकते हैं, किसी रॉड की लेंथ नाप सकते हैं, किसी किसी स्फेयर का डायमीटर, जैसे कि ये स्फेयर है इसका डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल में दिखाई देगा आपको, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बाल की भी विद मेजर की जा सकती है इनसाइड जॉ से, इसको फिर इसमें हम फंसाते हैं। तो फिर ये इंटरनल डायमीटर ऑफ हाइलो सिलेंडर या पाइप को हम नाप सकते हैं, इसको अंदर से इंसर्ट कर देंगे। ये भी मेथड आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें जो दो मेन चीज़ें हैं वो ये है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल से आप 1 मिलीमीटर की लेंथ मेजर कर सकते हो अप टू, और वर्नियर स्केल की सहायता से 0.1 मिलीमीटर की लेंथ मेजर कर सकते हो। यह आपको फिगर बना लेना है और ये पांचों चीजें लिख लेनी है, जिसमें ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और याद भी क्या रखना है यार, ये तो बहुत सीधी सी बात है कि वर्नियर कैलिपर है तो वो हमारे जो स्केल है, जो हमारे हाथ में जो स्केल होता है, उससे छोटी ही दूरी नापने के लिए होगा। तो उससे मिनिमम दूरी 1 मिलीमीटर नापी जाती है। अब उससे अगर छोटी दूरी होगी तो उसके लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, वर्नियर कैलिपर की। इसके आगे भी एक इंस्ट्रूमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम 0.1 मिलीमीटर तक की दूरी, सॉरी 0.01 मिलीमीटर तक की दूरी नापेंगे, उसको हम जो है हम स्क्रू गेज कहेंगे, ठीक है। तो अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम इसके बारे में खूब कायदे से समझ लें। तो ये था वर्नियर कैलिपर, एक बार फिर से ये फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आपको मेजर करना है, उसको आप इन दोनों स्केल के बीच में फंसा दोगे, फिर आप स्क्रू को टाइट कर दोगे हल्का सा, पूरा एकदम उसकी गर्दन में मत दाब देना, है ना, बस हल्के से पकड़ा जाएगा उसको ऐसे, और उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग नोट की जाएगी और इसकी रीडिंग नोट की जाएगी। उसके आगे का प्रोसीजर आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिए फॉर्मेलिटी के तौर पर, उसके बाद हम बताते हैं। पहले हम इसमें गलतियां बता देते हैं कि गलतियां क्या हो सकती हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके जो आपने नोट किया उसमें आपने वर्नियर कैलिपर का डायग्राम देखा और उसके मेन पार्ट और उसके फंक्शन देखे। अब इसमें आगे बढ़ते हुए तो जब आपके हाथ में वर्नियर कैलिपर आएगा तो सबसे पहला काम है आपको उसका लीस्ट काउंट पता करना। लीस्ट काउंट पता करने का तरीका क्या है कि आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें आप देखेंगे कि मेन स्केल किस 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 यूनिट में कैलिब्रेटेड है। मान लीजिए कि आपका मेन स्केल सेंटीमीटर्स में कैलिब्रेटेड है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में डिवीजन होंगे, 1 डिवीजन, सॉरी 10 डिवीजन होंगे, तो 1 डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसमें उसमें कितने डिवीजन है। मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं, ध्यान रखिएगा कि हर केस में 10 डिवीजन वर्नियर स्केल में नहीं होते। बहुत सारे वर्नियर स्केल ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाई देंगे जहां पर आपको 25 डिवीजन भी मिलेंगे, 50 डिवीजन भी मिलेंगे। तो ये आपको हर दिए हुए वर्नियर कैली पर या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में देखना होगा कि नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पर कितने हैं और आपका जो मेन स्केल है उसका कैलिब्रेशन किस स्केल पर किया गया है, वो सेंटीमीटर के स्केल पर है, वो मिलीमीटर के स्केल पर है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट के लिए जनरलाइज फार्मूला जो बनाया गया वो ये कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये दिए डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, तो ये न्यूमेरिकल्स में डिस्कस होगा। तो लीस्ट काउंट का लेकिन एक जनरलाइज फार्मूला आपके सामने है। उसके बाद दूसरी चीज तो देखी जाती है, बच्चों देखो इंसान है, इंसान से गलती होती है। उसी तरीके से अब आपको ये जानकर ताज्जुब हुआ कि लोग पहले कहते थे किताब में जो लिखा है वो सच है, ऐसा कुछ भी नहीं। किताब में जो लिखा है लिखने वाला कोई आदमी है भाई, टाइप करने बैठा है, ई की जगह ए होगा, जिसे कई बार मैं ही कुछ गलती कर जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या मतलब है कि मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं टीचर हूँ, सर बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो ऐसे कोई भी जो मशीन है, कोई भी मशीन हो, उसका अगर कैलिब्रेशन ही गलत कर दिया जाए तो फिर वो हमेशा गलत रीडिंग ही देगी। ये एक कॉमन एरर भी हो सकती है। इस एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्यों होती हैं ये गलतियां, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप है आपके 11th क्लास में होगा। बहरहाल यहाँ पर सिर्फ हमको ये देखना है कि गलती क्या पॉसिबल है वर्नियर कैलिपर के केस में। अच्छा, जो चीज़ यहाँ चलेगी वही स्क्रू गेज में भी चलेगी जो आगे आने वाला है। तो
तो अगर वर्नियर कैलिपर आपने उठाया और दोनों जॉस को मिला, यानी जो आपका फिक्स जॉ है मूवेबल जॉ है, दोनों जॉ अगर एक दूसरे से मिल गए, ठीक है, और जब मिले तो आपको ये देखना है कि क्या जो वर्नियर का 10th डिवीजन है, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें आपके वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है और मेन स्केल पर 1 डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर है, यानी 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की लेंथ बराबर है। तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि अगर 9th डिवीजन यहाँ पर आपकी बुक में जो है वो जनरलाइज नहीं किया गया, उन्होंने लिखा कि अगर दोनों जॉस को मिलाने पर 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइड विद द 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो आप कहेंगे वो फ्री फ्रॉम द जीरो एरर है, कोई गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली कैलिब्रेटेड है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर है, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए जीरो एरर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। तो जीरो एरर कब होती है? जीरो एरर तब होती है जब दोनों जॉस को आपस में हल्का सा मिलाने पर, एकदम हल्का सा टच कराइएगा, ये सलाह दी जाती है, एकदम ऐसे गर्दन में मतलब वो ताकत मत लगाइए उसको, एकदम बहुत हल्का सा टच कराइए। जब आप दोनों जॉस J1 और J2 को टच कराते हैं, अगर 10th डिवीजन कोइंसाइड ना करे 9th डिवीजन से, तब तो आप कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन द 10th डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर डू नॉट कोइंसाइड विद द 9th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, देन इट इज सेट टू बी दैट इट हैव जीरो एरर, जीरो एरर है, ठीक है। अब जीरो एरर है तो बेटा कोइंसाइड, देखो ये नाइन मान लो, ये तुम्हारा मेन स्केल है और ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है, ये तुम्हारा 10वां है, मैं लिख के समझा देता हूं तुमको। जैसे ये हमारा 9th है और ये हमारा 10th है, ठीक है। तो ये 9th और 10th, ये 9th और ये 10th अगर एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड कर गए तो आपको अभी कोई एरर नहीं है। लेकिन अब बेटा देखो, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, क्यों भाई, ठीक है ना। ये जो आपका मुएबल जॉ है, जो इससे पिछले वाली बोर्ड पर बना हुआ था, जॉ जो है वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो इस केस में दो टाइप की जीरो एरर पॉसिबल है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन जानना बहुत जरूरी है ताकि आप न्यूमेरिकल कर सकें। याद रखिए, इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको न्यूमेरिकल के चांसेस 90% है, ठीक है। थ्योरी के चांसेस रेयर है लेकिन फिर भी है, तो हम किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ नहीं रहे, इसे हम दिखा रहे हैं, आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो जीरो एरर का मतलब दोनों जॉस को मिलाने पर हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो अब जीरो एरर में मैंने आपको बताया दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर। तो अब इसको समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये हमारा मेन स्केल है, जीरो से शुरू हो रहा है, वन, ठीक है, आके नहीं ले जाएंगे, ठीक। तो अब आपके पास एक वर्नियर स्केल भी होगा इसी के साथ ही, ऑब्वियसली, है ना। तो अगर इसको यहां से हटाना पड़ेगा थोड़ा सा समझाने के लिए। क्या कहता है, इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल है, अच्छा, तो ऑन द राइट ऑफ द जीरो मार्क, तो अगर ये जीरो है तो इसके अगर इधर हुआ, बोर्ड के प्लेन में मैं बता रहा हूं, उल्टा अगर आप देख रहे हो, तो अगर इस जीरो के इधर हुआ मतलब जो आपने मेन स्केल मान लीजिए जैसे ये है, इधर हुआ, ये आपका वर्नियर स्केल है, तो ये इसका जीरो है, तो फिर आप इसे क्या कहोगे, ये वर्नियर स्केल है, तो इसे आप पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर कहोगे, क्या कहोगे, पॉजिटिव जीरो एरर, और राइट मार्क में आ गया, ठीक है। मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के राइट में आ जाने पर उसे आप पॉजिटिव जीरो एरर कहोगे। इसी तरीके से नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर कैसी होती है भाई, नेगेटिव जीरो एरर, ये सब कुछ न्यूमेरिकल में क्लियर होगा, अभी आप सिर्फ ध्यान से देखिए। ऑन बेगिंग द जॉस,
ऑन ब्रिंगिंग टू जॉस टुगेदर, अगर आप दो जॉस को एक साथ लाते हो, टू जॉस टुगेदर इफ जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क, लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, ऑफ द मेन स्केल जीरो इधर इज सेट टू बी नेगेटिव, इसे क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव कहेंगे। फिगर से समझ लो, फिर यही फिगर बना लेते हैं। देखो इस बार ये तुम्हारा जीरो है, ये वन है, ये तुम्हारा वर्नियर है, इस बार वो इधर आ जाएगा। क्या फर्क है इस और इस डायग्राम में, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें आप राइट ले गए थे मूवमेंट में, आप इसमें लेफ्ट में ले आए मूवमेंट में, यानी आपका ये जीरो जो वर्नियर का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है, तो इसे आप नेगेटिव जीरो इधर कहोगे। क्या कहोगे? नेगेटिव जीरो इधर, ये वर्नियर स्केल है। ठीक, तो अब आपको दोनों एरर भी समझ में आ गई। तो अगर G1 G2 के मिलाने पर 9th डिवीजन और 10th डिवीजन यानी 0 0 को इंसाइड कर जाए तो आप क्या कहोगे? फ्री फ्रॉम दी एरर। अगर राइट में आ जाए तो आप क्या कहोगे? पॉजिटिव जीरो एरर। क्या राइट में आ जाए? अरे भाई वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में आ जाए तो आप कहोगे पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में आ जाए वर्नियर स्केल का जीरो तो आप कहोगे निगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर दो टाइप की होती है, और अगर दोनों जीरो एक साथ आ गए यानी 9th डिवीजन 10th डिवीजन को कॉइंसाइड कर गया तो आप कहोगे फ्री फ्रॉम दी जीरो एरर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। आज आज इंशाल्लाह इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करके ही आज आपको छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये मेहनत के साथ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि हाउ विल यू फाइंड द जीरो एरर, अब सॉरी जीरो एरर है या नहीं ये आप कैसे पहचानोगे पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अब इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? टू फाइंड द एरर, टू फाइंड द एरर, उस गलती को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? वी नोट दैट, क्या करते हैं? वी नोट दैट, वी नोट दैट द डिवीजन, वी नोट दैट द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, वी नोट दैट द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, वी नोट दैट द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद एनी डिवीजन, विथ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है। तो एरर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि हमारा जो वर्नियर स्केल है उसका कोई भी डिवीजन मेन स्केल की किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो जिससे कोइंसाइड कर जाएगा उसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? द नंबर ऑफ दिस वर्नियर डिवीजन, द नंबर ऑफ दिस वर्नियर डिवीजन, द नंबर ऑफ दिस वर्नियर डिवीजन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर गिव्स जीरो एरर, गिव्स द जीरो एरर। ठीक है बेटा, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल
इफ द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल इज 0.01 सेंटीमीटर। ये डिस्काउंट मैं आपको बता चुका हूं, बार बार मत पूछिए। एंड द सिक्स्थ डिवीजन, एंड द सिक्स्थ डिवीजन, एंड द सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऑफ वर्नियर स्केल पॉइंट साइज विद मेन स्केल, विद अ मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन देन जीरो एर। जीरो एर क्या होगी बेटा भाई, इसका लीस्ट काउंट कितना है, हैं? नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल वर्नियर स्केल कोइंसाइड, कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन, विद मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अच्छा देखो यहां कौन सा कर रहा है, सिक्स्थ, और लीस्ट काउंट क्या है 0.01, 0.01। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, ठीक, यानी एरर कितनी आ गई 0.06 सेंटीमीटर, ये जीरो एरर आ गई। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, ये तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव हो सकती है। अगर जीरो के राइट में कोइंसाइड किया था तो पॉजिटिव होगी, और जीरो के अगर लेफ्ट में कोइंसाइड किया था तो नेगेटिव होगी, है ना। जीरो के अगर ये सिक्स्थ डिवीजन जीरो के मेन स्केल जीरो के राइट में कोइंसाइड किया होगा किसी मेन स्केल डिवीजन के उससे, तो फिर आप इसे पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे, और अगर ये लेफ्ट में किया होगा तो इसे आप नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। तो तरीका एक है, बातें दो तरीके से कही जा सकती हैं। अगर मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में जाने पर कोई नंबर, कोई स्केल का नंबर, सॉरी वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन कोइंसाइड करता है मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, तो फिर आप उसे नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे, और अगर राइट में जाने पर कोइंसाइड करता है तो फिर उसे आप पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसे भी नोट कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग। न्यूमेरिकल जैसे ही दो चार होंगे, देखो ये हमारा फर्ज है, इट इज माई ड्यूटी।